ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड गेटेड कम्युनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी बीटी रोड से आरास्ता HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाए अपना खुद का घर प्लॉट खरीदें रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। एक दिल दहलाने वाली वीडियो पूरे मुल्क के साहिब औलाद लोगों को सुकून दरमरम कर दी। कौम की एक बेटी ने खुदकुशी का मुजाहरा किया। मैं अपनी कौम की बेटियों से दो दो बातें करना चाहता हूं कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों, तुम इतने बुजदिल ना बनो। खुदकुशी मसाइल का हल नहीं है बल्कि आखिरत के अजाब की इब्तिदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस तरीके से खुदकशी करेगा, जिस जरिए से खुदकशी करेगा, उसको बार बार आलम बरज़ख़ में वही सजा दी जाएगी। अगर कोई जहर खा के खुदकशी करता है, या कोई आग लगा ले के खुदकशी करता है, या कोई छलांग लगा के खुदकशी करता है, खा किसी जरिए से वो खुदकशी करे, तो नतीजा ये होगा कि वही सजा उसको आलम बरज़ख़ में दोहरा दोहरा के दी जाएगी। तो दुनिया की मुश्किलात से परेशान होकर आखिरत की हमेशा की मुश्किलात में फंस जाना, अजाब में फंस जाना, ये समझदारी का काम नहीं है। कुरान ने हमें मना किया है, अपने आप को अपने हाथों से हलाक न करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत की बेशुमार नेमतों से मालामाल होने, सब्र करने वालों को इनामात पाने का मुजदा दिया है। हम हालात से मुकाबला करें, हम बुजदिली का मुजाहरा न करें। कौम की बेटियों, जो लोग खुदकशी का इस तरीके से मुजाहरा करते हैं, वो समझते हैं कि वो इस दुनिया से निजात पा गए। दुनिया से निजात नहीं पाए बल्कि अजाब के दलदल में फंस गए। अलावा इसके अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी हमेशा के लिए वो तकलीफ़ में मुब्तला करके, मुसीबत में मुब्तला करके, गम में मुब्तला करके चलती फिरती लाश बना के दुनिया से चले गए। ऐसा अमल एक मुसलमान के लिए तो बिल्कुल जेब नहीं देता बल्कि किसी इंसान के लिए जेब नहीं देता। ज़रूरत इस बात की है कि कौम की बेटियों की काउंसलिंग करें, और कौम की बेटियों को चाहिए कि मसाइब और मुश्किलात में नमाज से, सब्र से सहारा लें, अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हो। हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, और अपनी तकलीफ़ों का इजहार अपने माँ बाप के सामने करें। ऐसे मुजाहरे करके माँ बाप को हमेशा तकलीफ़ों में ढकेल के दुनिया से जाना, ये बहुत ही दुख की बात है। अलावा इसके कि जो लोग वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा रहा उस वीडियो को शेयर ना करो। कमज़ोर फिक्र के लोग उस वीडियो से मुतासिर होकर वो भी खुदकशी के लिए अपने आप को खुदा नखास्ता हलाकत में ना डालें। मेहरबानी करके ऐसे वीडियोस शेयर करना बंद करें।